सो क्या हुआ आफ्टर सक्सेसफुल प्रोडक्टिव वीजे और वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, व्हाट यू ऑब्टेन? वन हैवी फंक्शनल हैवी चेन जीन एंड वन फंक्शनल लाइट चेन अलील और जीन। तो अदर जो जीन है अदर क्रोमोसोम पर, अदर लोकस पर, सेम जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, दैट जीन विल बी साइलेंस्ड। तब तक कब तक साइलेंस रहेगा? तब तक चूंकि हैवी चेन का तो रीअरेंजमेंट सबसे पहले होता है, बीडीजे रीअरेंजमेंट, तो उसमें प्रोडक्टिविटी जैसे ही सेलेक्ट हो गया कि ये प्रोडक्टिव है, तो दैट वीडीजे रिकॉम्बिनेशन हैज बीन सेलेक्टेड, तो अदर लोसाई जो बचे हुए हैं दैट विल बी साइलेंस्ड। जितना भी दोनों दो ट्राई मिला, वहां दो जीन है, अगर पहले चांस में ही वो प्रोडक्टिव हो गया, देन अनदर लोकस जो है उस जीन का इन अनदर क्रोमोसोम दैट विल बी साइलेंस्ड। ठीक है, वो हमेशा के लिए साइलेंस्ड हो जाएगा, फिर वो बाद में कभी जागेगा नहीं। ओके, लेकिन लाइट चेन में क्या होता है, अगर सेल्फ रिएक्टिव हो जाए प्रोडक्टिव होने के बाद, तब जो अदर लोकस बचे हुए हैं वो फिर यूज हो सकते हैं फॉर वीजे रिकॉम्बिनेशन, न्यू वीजे रिकॉम्बिनेशन, और एंटायर लाइट चेन विल बी रिप्लेस्ड। ओके, फाइनली द रिसेप्टर मस्ट बी टेस्टेड टू इंश्योर, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ, फाइनली द रिसेप्टर मस्ट बी टेस्टेड टू इंश्योर इट डज नॉट बाइंड सेल्फ एंटीजन्स, यानी प्रोडक्टिव होने के बाद इंश्योर किया जाता है कि सेल्फ एंटीजन से बाइंड ना करे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट द जनरेशन ऑफ एन ऑटो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। अगर सेल्फ रिएक्टिव हो गया तो वह चला जाएगा किसके लिए, रिसेप्टर एडिटिंग प्रोसेस में। इस रिसेप्टर एडिटिंग प्रोसेस में लाइट चेन जो है रिप्लेस हो जाता है। आई बात समझ में? आवाज आ रहा यस सर है? तो अब आप लोग समझिए बी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर, ये फोटो दिख रहा है, अब आगे आप लोग समझे, दिख रहा है फोटो? यस ठीक है, दिस लेफ्ट वन इज ए मैच्योर बी सेल रिसेप्टर, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज बी सेल रिसेप्टर एंड दिस वन इज इमेच्योर बी सेल रिसेप्टर। पहले इमेच्योर बी सेल रिसेप्टर बना कैसे? सबसे पहले दीज टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और सिग्नलिंग प्रोटीन्स जिसका नाम है आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा, इसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे, हैवी चेन जीन का कॉन्स्टेंट रीजन जीन सेगमेंट से। ओके, अल्फा वहां पर बीटा टाइप नहीं है ना, अल्फा, ये जो अल्फा है उससे कंफ्यूज नहीं करोगे, दिस इज एक्चुअली इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर है, दिस इज इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर एंड दिस प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनो, फुल फॉर्म इसका हो गया इम्यूनो, पूरा नाम है इसका इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है हेटरोडाइमर है, दो तरह के प्रोटीन है, तो एक का नाम है अल्फा दूसरे का नाम है बीटा, एंड दिस अल्फा एंड बीटा इज लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड हियर, इट इज नॉट शोन हियर इन दिस पिक्चर, डाइसल्फाइड ब्रिज है, एंड दिस एक्ट सर्व्स एज द सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर दिस बी सेल रिसेप्टर। व्हाट हैपेंस इज व्हेन बी सेल रिसेप्टर इज बाउंड टू एन एंटीजन और एन एंटीजेनिक फ्रैगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टी सेल, देन बिकॉज ऑफ द
conformational change in this, after this binding conformational three-dimensional conformation change occurs, this that change also induces the three-dimensional conformation change in these signaling protein molecules. And these signaling protein molecules are having a special site here, that is tyrosine motif here in this. And this one is also tyrosine associated protein kinase. Utna detail mein sirf naam jaan lo, bas itna hi kaafi hai. Protein tyrosine kinase. And what does this kinase means? Phosphorylation. To iske baad yani signal transduction pathway. Sirf itna par samajh lo, signal pathways are activated. And as a result of this signal activating this signal pathway, this B cell will get activated and later on differentiated. It will be differentiated. Abhi kya hai? Naive B cell hai. Antigen bind kiya. Yahan three dimensional change hua, conformational change. That will also induce three dimensional conformational change in Ig, immunoglobulin associated protein alpha. Iska naam hai CD 79A भी क्रोमोसोम नंबर 19 पर इसका जीन है 19A और इसका नाम है CD 79B देखना अपेंडिक्स सर ये आईजी अल्फा का नाम है आईजी अल्फा का नाम हो गया CD 79A ठीक आईजी बीटा का नाम है CD 79B ओके तो आप ये सर सीडी मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना सर यस क्यूबिक अपेंडिक्स में देखना सारे सीरीज जो है एक से लेकर के 200-300 तक सब वहां दिखा होगा सबका तो 79 नंबर देखना आईजी अल्फा जो है दीज प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद दिस दीज प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ दिस बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई आर दीज protein signal transduction occurs when suitable antigen is bound to this variable region in this B cell receptor. Lekin ye banne ke liye, mature B cell banne ke liye, there is a stage, this stage, which is the immature B cell stage. Kyon? Kahoge ye zaruri hai? Kyon? Abhi aapko hum bataya, heavy chain ka rearrangement sabse pehle ho raha tha, BDJ, yes, kino? BDJ रिकॉम्बिनेशन हुआ उसके बाद एक कांस्टेंट रीजन इससे जुड़ गया कौन सा म्यू वाला पहले ओके और ये हो गया पूरा आपका हैवी चेन का जीन एंड दिस जीन विल बी एक्सप्रेस्ड नाउ दिस विल बी ट्रांसक्राइब्ड फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड फर्स्ट and trans ठीक है समझ लो ये transcription है transcribed first and then it will be translated into protein heavy chain protein translation होगा इसका तो ये बन गया आपका heavy और translation के बाद post translational modification addition of carbohydrate residues at a certain suitable places जहाँ पर destined होगा and then after post translational modification and protein folding what will happen you will get one two heavy chains held together by disulfide linkage And this will be expressed in, you can see, these two heavy chains. और ये VDJ recombination से इतना जीन, इतना region specify हो गया, this region. This is, this part of the paratope is coming from where? VDJ recombination से और C mu से आया पूरा, ये region. CH2 domain, CH1, CH2, CH3 और ठीक है ये हो गया म्यू टाइप कॉन्स्टेंट
सेगमेंट से ट्रांसक्राइब होने के बाद ट्रांसलेट होकर के जो प्रोटीन बना वो है ये ग्रीन वाला म्यूसे। ओके तो पहले वीडीजे रिकॉम्बिनेशन हुआ तो दिस इज नाउ एक्सप्रेस्ड। अब वीडीजे में प्रोडक्टिव होगा जब ये एक्सप्रेस होगा उसके बाद लाइट चेन का होता है। तो तब तक के लिए क्या होता है इसको सपोर्टिव प्रोटीन्स जो है इसको बोलते हैं सरोगेट लाइट चेन। यू कैन सी हियर, कैन यू सी दिस वन, दिस इज द लाइट चेन सरोगेट लाइट चेन। जैसे सरोगेट मदर अगर बोले तो क्या मतलब हुआ उसका असली माँ नहीं है लेकिन माँ का काम कर रही है सरोगेट मदर। तो ये भी ये असली लाइट चेन नहीं है लेकिन लाइट चेन का काम यहाँ पर टेम्पोररी कर रहा है टू स्टेबलाइज द हैवी चेन स्ट्रक्चर। तो इसमें दो प्रोटीन एलिमेंट्स हैं जिसका नाम है भी प्री बी एंड अनदर प्रोटीन विच इज लैम्डा लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए लैम्डा लाइक लिखा है। ये दोनों प्रोटीन भी डाइसल्फाइड लिंकेज है एंड दीज टू प्रोटीन्स हैव स्टेबलाइज्ड दिस आर्म फैब आर्म ऑफ द हैवी चेन प्रोटीन सरोगेट लाइट चेन। आफ्टर वीजे रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल वीजे प्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेशन देन द लाइट चेन विल रिप्लेस दिस सरोगेट। ये तब तक इसको लाइट चेन का सिर्फ काम कर रहा है लेकिन इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है जिससे कि ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर ले। स्टिल दिस इज नॉन फंक्शनल पैराटोप, दिस इज नॉन फंक्शनल पैराटोप एट दिस स्टेज बट आफ्टर गेटिंग रिप्लेस्ड विथ द लाइट चेन आफ्टर वीजे रिकॉम्बिनेशन एट द लेटर स्टेज व्हाट विल हैपन ए प्रोडक्टिव पैराटोप विल बी क्रिएटेड। नाउ दिस पैराटोप न्यू पैराटोप विच इज क्रिएटेड दिस विल बी टेस्टेड वेदर दिस इज ऑटो रिएक्टिव और नॉट। इफ दिस इज ऑटो रिएक्टिव दिस पैराटोप इज ऑटो रिएक्टिव देन द एंटायर बी सेल रिसेप्टर विल बी चॉप्ड ऑफ इट विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक वेसिकल के अंदर ये इंटरनलाइज कर लिया जाएगा। इट विल बी टेकन इनसाइड इफ दिस हैज बिकम क्या ऑटो रिएक्टिव देन ये पूरा का पूरा रिसेप्टर को ले लिया गया अंदर। अब क्या होगा सेल में रिसेप्टर एडिटिंग होगा ठीक है। प्रोटीन को पूरा नष्ट कर दिया गया लेकिन जीन लेवल पर क्या है हैवी चेन का जीन को तो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है प्रोडक्टिव वाला भले सेल्फ रिएक्टिव था ये इसका भी वेरिएबल रीजन एसोसिएटेड है गुनहगार है उस सेल्फ रिएक्टिविटी के लिए ठीक है। लेकिन दोनों मिल करके सेल्फ रिएक्टिविटी क्रिएट कर रहा है कोई अकेले गुनहगार नहीं है दोनों मिलने के बाद सेल्फ रिएक्टिविटी हो रहा है दोनों हैवी चेन का और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। तो हैवी चेन को छोड़ दिया जाता है ओके और वीजे जो है सेगमेंट अनदर लोकस पर ट्राई किया जाता है या सेम लोकस पर अगर कोई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी सेगमेंट जे सेगमेंट ज्वाइन होने लायक बचा हुआ है जिसका आरएसएस जो है एक सर्टेन ओरिएंटेशन में हो तो सेम लोकस पर भी वीजे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो एक फिर सक्स अनदर वीजे सेगमेंट जीन बना और फिर अब ये फिर जब वीजे रिकॉम्बिनेशन हो गया फिर नया हैवी चेन पहले वाला ही फिर से एक्सप्रेस होगा सरफेस पर किसके साथ सरोगेट लाइट चेन के साथ एंड देन फिर सरोगेट लाइट चेन से रिप्लेस हो जाएगा नया वाला जो वीजे सेगमेंट से प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ वो रिप्लेस कर देगा। तो एक नया रिसेप्टर बन गया गया ओके समझ में आया। सॉरी बहुत फिर से समझाइए ना।
लॉस्ट? यस सर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट पर ध्यान रखिए। ये सब समझ में आ गया? बी सेल रिसेप्टर का कंपोनेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आईजी अल्फा आईजी बीटा ये सब समझ में आया? सिग्नलिंग है और ये काइनेज है, ये तो एंजाइम है। ओके ये एंजाइम नहीं है, प्रोटीन है। यहाँ से इस दोनों यहाँ से जो सिग्नल हुआ इसको ये कंडक्ट करके एंजाइम तक पहुंचा दिया। अब एंजाइम में एक्टिव साइट में चेंज हुआ जिससे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी हुआ, फॉस्फोराइलेशन वगैरह हुआ जिससे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये सब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। सरोगेट लाइट चेन होता है पहले, क्योंकि जे लाइट चेन एक्सप्रेस नहीं हुआ, एक झूठ फूस का एक चेन जैसा दो प्रोटीन जो है सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए हैवी चेन को बनाया गया है, मतलब होता है इन द सिस्टम तब तक जब तक कि लाइट चेन ओरिजिनल जो है बन के ना आ जाए, जिससे कि एक फंक्शनल पैराटोप का निर्माण हो। ओके ये समझ में आया? यस। तो क्या समझ में नहीं आया? मतलब सर ये सरोगेट जो है सर लाइट चेन है, बस इसको हैवी चेन की स्टेबिलिटी के लिए आया है, मतलब एक्चुअली है फॉल्स है। हाँ ये आया हैवी चेन को थोड़ा देर के लिए स्टेबल, इस रिसेप्टर को स्टेबल रखने के लिए, नहीं तो क्या होगा ये फाइव आर्म जो है ये अकेला जो बचा हुआ है दिस में ये खराब हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल रीजन एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग हुआ है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसी एक एंटीजन में कुछ सरफेसेस के लिए। तो वो कॉम्प्लीमेंटरिटी, एक सेकेंड दरबार, तो इसका फंक्शन जो है टेम्पोररी है, जैसे टेंट वगैरह लगाते हुए अगर देखे होगे किसी को, शमियाना जो लगाता है बहुत सारा बांस पहले गड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर का जब कर लेता है तो नीचे वाला खोल देता है, तो वो पूरा बैलेंस रहता है स्ट्रक्चर। तो ये तब तक के लिए है जब तक लाइट से ना आ जाए इस फाइव आर्म को इंटैक्ट रखने के लिए, नहीं तो क्या होगा ये हो सकता है ये दिस विल डिसोसिएट, दिस विल फॉल ऑन द मेम्ब्रेन लाइक दिस, समथिंग विल हैपन। तो ये कुछ देर के लिए इसको एसोसिएट करेगा, तो ये काम है इसका, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या समझ में नहीं आया? रिसेप्टर एडिटिंग, रिसेप्टर एडिटिंग आगे भी हम पढ़ेंगे फिगर में। रिसेप्टर एडिटिंग नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर ये सेल्फ प्रोडक्टिव तो हो गया, लेकिन अगर सेल्फ प्रोडक्टिव के बाद तो सेल्फ रिएक्टिव भी प्रोडक्टिव ही था एक तरह से, सेल्फ रिएक्टिव अगर हो गया तो पूरा का पूरा प्रोटीन, ये पूरा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पहले इंटरनलाइज करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा पूरा का पहले, ठीक है। अब नया रिसेप्टर बनना है तो वही जीन सेगमेंट कॉन्स्टेंट रीजन वाला हैवी चेन का जो पहले था बीडीजे रिकॉम्बिनेशन हुआ रखा है उसको तो सेम ही रखा जाता है, लेकिन लाइट चेन का जो जीन है बीजे है वो एक नया बीजे रिकॉम्बिनेशन तैयार होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो लाइट चेन है वो डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट लाइट चेन एंड द सेम हैवी चेन, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल नॉट गिव टू ऑटो रिएक्टिविटी, ऑटो रिएक्टिविटी इज लॉस्ट नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ दिस लाइट चेन, ये हम बताए, समझ गए? yes, sir. अब लिखिए, लिखा हुआ है यहां पर बी सेल रिसेप्टर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट ए मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये पूरा, ये ठीक, और ये मॉलिक्यूल जो है वन आइसोटोप ऑफ आईजीडी आईजीएम आईजीए आईजीजी आईजीई हो सकता है, पहले जो है वो आईजीएम होता है सबसे पहले जो बी सेल रिसेप्टर अपीयर हुआ टाइप क्लास आईजीएम, तो ये आईजीएम टाइप यानी
सरोगेट से ये जो बना, मतलब इमेच्योर रिसेप्टर जो है उससे फर्स्ट मैच्योर रिसेप्टर इज आईजीएम टाइप विथ द एक्सेप्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, तो इसमें एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन भी होता है। दीज आर आइडेंटिकल टू ए मोनोमेरिक वर्जन ऑफ देयर सिक्रीटेड फॉर्म्स। सिक्रीटेड फॉर्म जो एंटीबॉडी है उससे आइडेंटिकल है, बस इसमें मेम्ब्रेन डोमेन भी है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन, इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन में बाउंड है। ठीक, तो ये हो गया आपका बी सेल रिसेप्टर, दो पार्ट में है। दूसरा पार्ट जो है वो है ये वाला, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉइटी है, दिस वन, जिसमें आईजी अल्फा बीटा दोनों है। सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉइटी ए हेट्रोडाइमर कॉल्ड आईजी अल्फा आईजी बीटा CD79A CD79B बाउंड टूगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिज रहता है। ईच मेंबर ऑफ द डायमर स्पैन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन किए हुए दोनों डायमर का मेंबर, एंड हैज ए साइटोप्लाज्मिक टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से यहां तक ही था, तो ये जो है इसका साइटोप्लाज्मिक टेल है यहां से यहां। ठीक है ना, यहां से यहां तक ये साइटोप्लाज्मिक टेल है, और इस साइटोप्लाज्मिक टेल से जुड़ा हुआ है क्या, पीटीके एंजाइम। ईच मेंबर ऑफ द डाइमर स्पेंस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हैज ए साइटोप्लाज्मिक टेल। साइटोप्लाज्मिक टेल में ही यहां पर है जिससे बाउंड किया हुआ है दिस एंजाइम एट दिस लोकेशन इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ इटाम। इटाम साइट है यहां पर। ओके, ठीक है, इटाम साइट है आईजीएम बीटा में, ये बीटा है। और बीटा से अटैच्ड है पीटीके एंजाइम। तो पहले आईजी अल्फा में सिग्नल गया, उसके बाद आईजी बीटा में सिग्नल आया। पहले एंटीजन जब बाइंड किया यहां, तो सिग्नल एंटीबॉडी बाइंडिंग का कहां पर हुआ, थ्री डायमेंशनल चेंज हो गया, सिग्नल इसमें आ गया एंटीबॉडी रिसेप्टर में। फिर यहां से सिग्नल ट्रांसफर हुआ आईजी अल्फा में, इसलिए नाम अल्फा है, पहला प्रोटीन जो है इम्यूनोग्लोबिन से एसोसिएटेड आईजी अल्फा। फिर आईजी बीटा में गया, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो था प्रोटीन का चेंज हुआ। फिर आईजी बीटा से दैट इंफॉर्मेशन हैज कम वाया इटाम टू दिस एंजाइम। नाउ एंजाइम हैज डन इट्स एक्शन, एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट डस, देन द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट्स। आगे फर्दर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ओके, आगे चले, कुछ पूछना है? ठीक, नाउ सी व्हाट इट सेज। ये सेकेंड फिगर है, ये भी आप समझ लो, देख लो, दिख रहा है? ये दो फिगर हम सेलेक्ट किए हैं, वो भी बी सेल स्टेज है, यानी यहां पर अभी वीडीजे रिकॉम्बिनेशन या वीजे रिकॉम्बिनेशन अभी तक नहीं हुआ। वीडीजे ही नहीं हुआ तो वीजे कैसे होगा? वीजे तो बाद में होता है, पहले वीडीजे होता है। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ एट प्रो बी सेल स्टेज, लेकिन आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा दीज टू सिग्नल प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड। देख रहे हैं आप, ये एक्सप्रेस्ड हो चुका है, ये भी आईजी अल्फा आईजी बीटा है। अब वी डी जे, वी एच डी एच जे एच, डी एच नहीं लिखना चाहिए इसको, वी डी जे और सी का म्यू टाइप दिख रहा है आपको, ये कॉन्स्टेंट रीजन म्यू टाइप। यस सर। नाउ दिस जीन इज पूरा हैवी चेन का जीन जो है फंक्शनल प्रोडक्टिव बन गया एट द
प्री बी सेल स्टेज ऑफ द बी सेल डेवलपमेंट। कहाँ हो रहा है ये? बोन मैरो में हो रहा है। बोन मैरो में जब निकला वो इस स्टेज पर निकला, इमेच्योर बी सेल स्टेज पर। यहां पर ये बोन मैरो से निकल के स्प्लीन में जाता है, ठीक है। अब स्प्लीन में जाने के बाद निगेटिव सेलेक्शन हुआ, यानी स्प्लीन में ही आपका ऑटो रिएक्टिविटी चेक हुआ, वेदर इट इज रिएक्टिव टू सेल्फ एंटीजन और नॉट। अगर सेल्फ एंटीजन से रिएक्टिव हो गया तो दैट रिसेप्टर विल बी डिस्कार्डेड एंड वाया रिसेप्टर एडिटिंग प्रोसेस लाइट चेन विल बी रिप्लेस्ड। तो ये रिसेप्टर एडिटिंग कहाँ हो रहा है? बोन मैरो से निकलने के बाद। तो ये जो सेकेंड रीअरेंजमेंट है, सेकेंड टाइम रीअरेंजमेंट और रिकॉम्बिनेशन ऑफ वीजे सेगमेंट्स ऑफ लाइट चेन, दिस इज हैपनिंग आउटसाइड बोन मैरो इन द स्प्लीन, ठीक है। ये हो रहा है रिसेप्टर एडिटिंग। जब ऑटो रिएक्टिव हो गया तब नहीं है, तब कोई बात समझ में आया बात। तो इमेच्योर स्टेज तक ये बी सेल में से बोन मैरो से बाहर आ गया। तो बोन मैरो से जब बाहर आया तो आप क्या उस पर पा रहे हैं? बी सेल के ऊपर। अभी बी सेल नाइफ बी सेल ही कहलाएगा, नाइफ बी सेल भी नहीं कहलाएगा, अभी इमेच्योर बी सेल ही है, ओके। अभी इसका रिसेप्टर एडिटिंग होना है कि नहीं होना है ये तय होगा आगे स्प्लीन में, वेदर दिस इज सेल्फ रिएक्टिव और नॉट, इसीलिए इसको इमेच्योर कहा गया। लेकिन इसके ऊपर फंक्शनल बी सेल रिसेप्टर है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है ये सब डिसाइड हो चुका है इस स्टेज से पहले, ओके। तो ये प्रेजेंट हो गया। तो इसमें क्या है? फंक्शनल भी, ये फंक्शनल और एक्टिव प्रोडक्टिव बी सेल रिसेप्टर सेल्फ रिएक्टिव हो सकता है लेकिन ये फंक्शनल है। तो इसमें क्या है आपका? एक सक्सेसफुल वी डी जी एच सी म्यू, ये प्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेशन हो रखा हुआ हुआ है, किसका? हैवी चेन का, वो प्री बी सेल स्टेज पर ही हो गया था। फिर कापा और लेमडा दोनों में से किसी एक लाइट चेन टाइप का वी जे और सी, ये भी एक प्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेशन जीन रेडी हो गया एंड दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड हियर एंड प्रेजेंटेड हियर, ओके, आफ्टर रिप्लेसमेंट विथ, आफ्टर रिप्लेसिंग वी प्री बी एंड लेमडा फाइव, दिस टू टाइप ऑफ सरोगेट लाइट चेन प्रोटीन्स आर रिप्लेस्ड बाय कपा और लेमडा टाइप लाइट चेन। आया समझ में? सर इससे पहले जो फिगर डिस्क्राइब किए थे वो भी तो यही था ना सर? सेम फिगर है, सेम चीज बता रहे हैं, सेम चीज है, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। अरे क्या हो गया, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रही नहीं। अभी गया कि पहले से गया हुआ था? अभी गया सर, अभी गया सर। ओके ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है, ये हो गया। अब एलिलिक एक्सक्लूजन, इसको आप समझिए। एलिलिक एक्सक्लूजन एंश्योर्स दैट ईच बी सेल सिंथेसाइजेज ओनली वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन, यानी एक प्रोडक्टिव हैवी चेन का जीन बन गया, एक प्रोडक्टिव वीडीजे रिकॉम्बिनेशन या वीजे रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो दूसरे अलील पर जो लोकस पर, दूसरे अलील के लोकस पर जो जीन प्रेजेंट है हैवी चेन और लाइट चेन का, दैट जीन विल बी साइलेंस्ड। इसी को बोलते हैं अलीलिक एक्सक्लूजन, ठीक है। द मैकेनिज्म बाय विच बी सेल्स एंश्योर दैट ओनली वन हैवी एंड वन लाइट चेन अलील आर ट्रांसक्राइब्ड and translated is referred to as allelic exclusion. सिर्फ एक ही ट्रांसक्राइब हो और ट्रांसलेट हो, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तब दूसरा एलील फिर ट्राई किया जाएगा,
अगर प्रोडक्टिव हो गया देन अदर अनदर एलील विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक, तो वहां पर भी अगर सेकेंड एलील इंक्लूड कर लिया गया तो दैट मींस फर्स्ट एलील का जो रिजल्ट था वो अनप्रोडक्टिव हो गया। तो इन दिस केस ऑल्सो देर इज वन हैवी एंड लाइट चेन फंक्शनल एलील इज रिमेनिंग, क्योंकि एक जो था वो प्रोडक्टिव नहीं था। आया समझ में? आगे चले। yes, नहीं समझ में आएगा तो रोक के पूछना। द रीअरेंजमेंट ऑफ आईजी जीन्स अकर्स इन एन ऑर्डर्ड वे एंड बिगिन्स विथ रिकम्बिनेशन एट वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैरिंग द हैवी चेन लोसाई। बता दिए कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो सेलेक्ट होगा। हालांकि स्टार्ट दोनों पर हो गया लेकिन जो सबसे पहले फंक्शनल बना लिया वी डी जे रिकॉम्बिनेशन दैट एलील विल बी सेलेक्टेड एंड अनदर विल बी एक्सक्लूडेड। ओके, समझ में आया? आगे चले इस पॉइंट के, आगे थर्ड पॉइंट में चले। ये समझ में आया? यस सर। द रीअरेंजमेंट ऑफ आईजीजी जीन्स अकर इन एन ऑर्डर्ड वे, यानी अगर एक पर अनप्रोडक्टिव हो गया देन सेकेंड लोकस विल बी ट्राइड ऑर्डर्ड वे एंड बिगिंस विद द रिकॉम्बिनेशन एट वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैरिंग द हैवी चेन लोसाई। दोनों में से किसी एक पर रिकॉम्बिनेशन होगा, अगर प्रोडक्टिव हो गया तो दैट विल बी सेलेक्टेड, अदरवाइज सेकेंड होमोलोगस लोकस विल बी ट्राइड फॉर दैट एलील। द प्रोडक्शन ऑफ ए कंप्लीट हैवी चेन एंड इट्स एक्सप्रेशन ऑन द बी सेल सर्फेस इज कंसर्ट विथ ए सरोगेट लाइट चेन मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स वी प्री बी एंड लेमडा फाइव फिगर 7-10। फिगर 7-10 अच्छा फिगर नहीं था, उससे अच्छा यही फिगर था तो मैंने लगाया ये दोनों फिगर। तो आप देख लिए, एक्सप्लेन कर ही दिए ये स्ट्रक्चर आपको बी सेल रिसेप्टर का। क्या होता है, एक सरोगेट प्रोटीन है, सरोगेट लाइट चेन है, दिस सरोगेट लाइट चेन इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन, पहला का नाम है वी प्री बी एंड द सेकेंड का नाम है लेमडा फाइव प्रोटीन का, और क्या है सेकेंड कंपोनेंट सिग्नल्स द एंड ऑफ हैवी चेन जी। ओके, क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ए कंप्लीट हैवी चेन एंड इट्स एक्सप्रेशन ऑन द बी सेल सरफेस इन कंसर्ट विथ ए सरोगेट लाइट चेन मेड अप ऑफ टू प्रोटीन वी प्री बी एंड लेमडा फाइव signals the end of heavy chain gene rearrangement and thus only one antibody heavy chain is allowed to complete the rearrangement process. जैसे ये express हो गया surrogate chain proteins के साथ यहाँ पर and this has become, क्योंकि अगर productive होगा V chain VDJ C new recombination, अगर productive होगा तभी surrogate light chain इससे bind करेगा, अगर unproductive होगा तो ये नहीं बाइंड करेगा या मेम्ब्रेन में भी एंकर नहीं होगा अच्छे से, अनप्रोडक्टिव हो गया। प्रोडक्टिव हो गया दैट मीन आफ्टर दिस सरोगेट चेन प्रोटीन्स बाइंडिंग जीन रीअरेंजमेंट एट अनदर लोकस विल बी साइलेंस्ड। तो ये जो आया एक लोकस से, एक एलील से इन वन होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर जो है बीडीजे रिकॉम्बिनेशन पूरा जो है, क्योंकि दूसरे लोकस पर भी हो रहा है, पहले ये कर लिया प्रोडक्टिव बना लिया तो ये अपीयर हो गया, वो भी लगा हुआ है दूसरा एलील भी अभी तक नहीं बना है प्रोडक्टिव वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, तो अब उस प्रक्रिया को वहीं साइलेंस कर दिया जाएगा। आया समझ में? कब साइलेंस होगा, जब सरोगेट लाइट चेन से ये स्ट्रक्चर बी सेल इमेच्योर बी सेल रिसेप्टर फॉर्म हो गया तब। ओके, लिखा हुआ है वी प्री बी signals the end of heavy chain gene rearrangement and thus only one antibody heavy chain is allowed to complete the rearrangement process. सिर्फ एक ही जीन जो है एंटीबॉडी हैवी चेन का जो है अलाउ किया जाता है कंप्लीट रीअरेंजमेंट प्रोसेस होने के लिए। ठीक है,
ये सिर्फ इसमें बदलाव तब आता है जब अनप्रोडक्टिव हो गया, तब अनप्रोडक्टिव होने के बाद यानी यहां पर नहीं बाइंड हुआ हैवी चेन, तो फिर दूसरा लोकस ट्राई कर किया जाएगा। चले आगे, कुछ पूछना है? आगे बढ़िए, आगे का पिक्चर में और क्लियर हो जाएगा आपको जब ये वाला पिक्चर एक्सप्लेन करेंगे। दिस पिक्चर द मैकेनिज्म बाय विच दिस एलीलिक एक्सक्लूजन अकर्स इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड टिल नाउ। हाउएवर वी डू नो दैट फॉलोइंग सक्सेसफुल अरेंजमेंट एट वन एलील द वीएच जीन लोकस ऑन द अदर क्रोमोसोम इज मिथाइलेटेड and recruited to heterochromatin। ठीक है, क्या है वह लोकस जो है मिथाइलेट हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन और मिथाइलेट हो गया और हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन हो गया। ठीक है कब हुआ, जब सक्सेसफुल रीअरेंजमेंट ऑफ वन एलील हो गया तब। फिफ्थ पॉइंट इज If the first attempt at heavy chain rearrangement is unproductive, that is, results in the formation of out-of-frame joints caused by P and N nucleotide addition or by axon nucleus streaming at the joint, जो हम लोग पढ़ रहे थे, DJ segment के बीच में हो रहा है ये activity, heavy chain में, अगर इसकी वजह से unproductive हो गया, out of frame चला गया, मल्टीपल थ्री के मल्टीपल में एड यस रिमूवल नहीं हुआ न्यूक्लियोटाइड का, तो ओके आउट ऑफ फ्रेम गया तो डेफिनेटली दैट विल बिकम अनप्रोडक्टिव। बहुत लिटिल चांस है कि दैट आउट ऑफ फ्रेम प्रोटीन जो है मे बिकम मतलब प्रोडक्टिव, बहुत ही लिटिल चांस है उसका। ओके द रीअरेंजमेंट विल इनिशिएट एट द सेकेंड हैवी चेन एलील अगर unproductive हो गया तो। If this is also unsuccessful, the B cell will die. किसके केस में? Heavy chain rearrangement के केस में। क्योंकि इस पर तो heavy chain एक ही टाइप का है, तो दो homologous chromosome है, तो दो allele हो गए, तो इसके पास दो चांस है, फिर से मतलब दो चांस है for the rearrangement of VDJ segments to become fruitful। आ रहा है समझ में? Yes sir। ये figure है 7-11। ये figure explain कर दूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। रुकिए नहीं, अभी less than one minute to end, next class begin or next session start होना दीजिए, I will explain this figure in that। ओके नहीं तो बीच में कट हो जाएगा ये। लेस देन ए मिनट इज रिमेनिंग। कहां पर तो फोर्थ पॉइंट हो गया क्लियर, फिफ्थ हो गया आपको। इफ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द हैवी चेन रीअरेंजमेंट इज अनप्रोडक्टिव, अभी हैवी चेन की बात कर रहे हैं हम। वंस ए कंप्लीट हैवी चेन इज एक्सप्रेस्ड, लाइट चेन रीअरेंजमेंट बिगिंस। हैवी चेन का हो गया एक्सप्रेशन के बाद, यानी हैवी चेन एक्सप्रेस हो गया, अभी सरोगेट से एसोसिएटेड है, सरोगेट से जब एसोसिएट कर गया तो क्या हुआ, दूसरे लोकस पर वीडीजे रिकॉम्बिनेशन सब साइलेंस कर दिया गया। अब जो है वीजे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ, वही कह रहा है वंस ए कंप्लीट हैवी चेन इज एक्सप्रेस्ड, यानी प्रोटीन लेवल पर एक्सप्रेस हो गया तब।